स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल। सभी लोग हाथ जोड़ के बैठिए और बोलिए साधु 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 अरहं सम्मा संबुद्धो अरहं सम्मा संबुद्धो भगवाबुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि Yeah.
गच्छामि तदियंपि संगं शरणं गच्छामि शरणागमनं परिपूर्णं आवन्दे पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादियामि पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादियामि आदिन्नदाना वीरमणि शिक्षापदं समादियामि अभिन्नदाना वीरमणि शिक्षापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि शिक्षापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि शिक्षापदं समादियामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वीरमणि शिक्षापदं समादियामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वीरमणि शिक्षापदं समादियामि शीलं धम्मं सारुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन सम्पादेत अम्बन्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सातमं मुनिराजस सुनन्तु सकमोखदं धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। महाकारुणे तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणे तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणे तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के विशेष धम्मदेशना कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणियां हैं, सारे के सारे सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। वही सुख शांति चाहिए करके सुबह से शाम तक हर तरह का यथासंभव कार्य करते हैं, वो काम करते हैं, वो
कुछ न कुछ पैसे कमाने का ये वो करते हैं, या विहार जाते हैं, धम्म देशना सुनते हैं, जो जितना भी काम करते हैं वो सुख शांति प्राप्ति के लिए करते हैं। यहाँ दुनिया के लोगों को ये भी लगता है कि सुख शांति बोले तो जितना ज़्यादा पैसा आ गया उतना ज़्यादा सुख शांति मिलेगा, क्योंकि पैसा हुआ तो हर तरह का सुख सुविधा खरीद के ले सकते हैं। हाँ, एक कपड़े के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, एक खाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, यहाँ वहाँ जाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, अच्छे से अच्छे जगह पे अनेक भोग विलासितामय सामान के साथ रहने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। इसलिए लोगों को लगता है ज़्यादा पैसा होने से उसमें ज़्यादा सुख शांति मिलेगा, तो लोग दिन रात वो पैसे कमाने के पीछे जाते हैं, इतना पीछे जाते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि ये पैसे सुख शांति के लिए चाहिए। बस वो पैसे कमाने के लिए वो हर तरह का अशांतिमय काम कर जाता है, हर तरह का अकुशल पाप कर्म कर जाता है। चाहिए सुख शांति, मगर सुख शांति से बहुत दूर होने वाला काम करते हैं। और लोगों को लगता है कि जितने बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा में पहुंचे उतना ज्यादा सुख शांति मिलेगा, इसलिए पढ़ने वाला खूब मेहनत करके डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनते हैं, बिजनेस करने वाला खूब मेहनत करके खूब बिजनेस करते हैं, काम करने वाला भी खूब मेहनत करके बड़े बड़े उच्च ओहदा में उच्च पद में पहुंचने की प्रयास करते हैं, और हुआ तो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट तक हो जाते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में जो भी हम सुख शांति की बात करते हैं या जो भी मिले तो उससे सुख शांति आएगा ऐसा हम सोचते हैं, चाहे वो धन संपत्ति में हो, चाहे घर गाड़ी बंगलों में हो, चाहे बड़े बड़े उच्च ओहदा में हो, या बड़े बड़े देशों का राजा बनने में हो, या राजाओं का राजा चक्रवर्ती राजा बनने में हो, इसमें इतना भी सुख नहीं मिलता। वास्तव में जो हम सुख की बात करते हैं, जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध सुख की बात बोलते हैं, उसमें इतना भी सुख नहीं मिलता। और लोगों को ये भी लगता है अगर इस दुनिया में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत दुख है तो जितना हम सुगति में पहुंचेंगे, देवलोक में पहुंचेंगे, वहां दिव्य शरीर होगा, दिव्य विमान होगा, हर तरह का भोग विलास, हर तरह का सुख सुविधा रहेगा, तो सुगति में पहुंचना सुख है। हाँ, मगर वो सुख है कुछ समय के लिए ही है, जब तक हमारा पुण्य रहेगा तब तक हम वहाँ सुख भोग कर पाएंगे, जैसे ही पुण्य खत्म हो गया सर के बल नीचे गिरना ही है। इसलिए तथागत बुद्ध ये भी वास्तविक सुख के रूप में नहीं बताते। इसलिए महाकारणी तथागत बुद्ध सुख के लिए एक गाथा तथागत बुद्ध इस तरह भी बताते हैं, पथाव्याये करज्जेन सङ्गसागमनेन वा सबलोकाधिपत्येन सोतापत्तिफलं वरं। पथाव्याये करज्जेन, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सारे पृथ्वी एक छत्र राज्य हो गया या अपने अंदर में आ गया तो भी इतना बड़ा सुख नहीं रहता। फिर तथागत बुद्ध कहते सगस गमने नवा, सुगति में पहुंचने से भी इतना ज्यादा सुख प्राप्ति नहीं होगा। यथार्थ में वास्तविक रूप में जो सुख चाहिए वो सुगति प्राप्त होने के बाद भी नहीं मिलता।
सब लोकाधिपत्येन, सभी लोक के अधिपति होने के बाद भी इतना वास्तविक सुख नहीं मिलता। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं सोतापत्ति फलं वरं, अगर एक श्रोतापत्ति फल प्राप्त हो गया तो उसके तुलना में ये सारे पृथ्वी का सुख सुविधा या सुगति जाने का सुख सुविधा या सारे लोक के अधिपति होने के सुख सुविधा ये श्रोतापत्ति फल के सामने एकदम न्यून है, गौण है, कम मात्रा में है। मतलब श्रोतापत्ति फल प्राप्त होना इतना बड़ा सुख सुविधा है। एक बार श्रोतापत्ति फल में पहुंच गया तो वो निरंतर दुख मुक्त निर्वाण की तरफ ही जाते हैं। मतलब वो निर्वाण के स्रोत में पहुंच गया, अभी उसका पतन होना संभव नहीं है, अभी उसका दुर्गति संभव नहीं है। हाँ, वो निरंतर निर्वाण की तरफ ही जाते हैं। इसलिए एक श्रोतापत्ति फल प्राप्त करना ये दुनिया के सारे सुख या सारे पृथ्वी के अधिपति होने से भी या सुगति प्राप्त होने से भी बड़ा सुख है। सोचते धन संपत्ति के लिए कितना लड़ाई झगड़ा करके बैठते हैं, छोटे छोटे घर, हाँ, छोटे छोटे बंगलो, ये घर बंगलो बोले तो इतने बड़े देश में कितने कितने प्रदेश है, उतने एक प्रदेश में कितना कितना नगर है, उतने नगर में कितना बड़ा ऐसे शहर रहता है, वो शहरों में छोटा सा एक जगह और वो जगह का भी छोटा सा जमीन में बना हुआ एक घर, एक बंगला, और हम उसके लिए मर मिटते हैं जिंदगी भर, वो एक घर बनाने के लिए हम तरसते हैं, मेहनत करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते एक ऐसा छोटा घर नहीं, एक ऐसा शहर नहीं, एक ऐसा प्रदेश नहीं, एक ऐसा देश नहीं, सारा पृथ्वी अपने अंदर में रहा तो भी श्रोतापत्ति फल से बहुत ही न्यूनतम सुख है। सारे पृथ्वी के जितने भी सुख सुविधा है वो भी श्रोतापत्ति फल के सामने बहुत ही कम है, गौण है। इस दुनिया के सुख सुविधा ही नहीं, सुगति में प्राप्त होना भी वो एकदम न्यून गौण है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं श्रोतापत्ति फल प्राप्त करना सुख का गारंटी है। मतलब श्रोतापत्ति फल में पहुंच गए तो अभी उसका दुर्गति संभव नहीं है, वो कभी भी अपाय दुर्गति में नहीं जाता। जो हम अपाय दुर्गति कहते हैं ना, नरक, प्रेत, तिर्यक, असुर, ऐसे दुर्गति में कभी उसका पतन नहीं होता, कभी वो इतना पाप कर ही नहीं सकता, वो निरंतर दुखमुक्त निर्वाण के तरफ ही जाता है। इसलिए श्रोतापत्ति फल प्राप्त होना ये सुख का गारंटी है। सारा पृथ्वी का भोग विलास प्राप्त किया वो भी क्षणिक है, अनित्य है, वो भी चला जाएगा। सारा पृथ्वी के अधिपति राजा हुआ तो भी वो जब मरेगा सारा चीज छोड़ के ही मरेगा, या सुगति भी प्राप्त हुआ तो वहां तो अनेक भोग विलास सुख सुविधा है, पर जब तक अपना पुण्य कम रहेगा तब तक ही वहां सुख भोग विलास प्राप्त करेगा। फिर जैसे ही खत्म हुआ सर के बल नीचे गिरना ही है। मगर एक बार श्रोतापत्ति फल प्राप्त किया तो निश्चित रूप से दुखमुक्त निर्वाण होगा, वो फिर से पतन नहीं होगा। इसलिए कम से कम श्रोतापत्ति फल प्राप्त करना है तो चार गुण हमें एकदम दृढ़ रूप से होना चाहिए। चार गुण बोले तो जो हमें ऑलरेडी है पर वो दृढ़ रूप में होना चाहिए। बुद्ध के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा है कि नहीं? धम्म के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, है कि नहीं? संघ के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा है कि नहीं? शील को अच्छे से पालन करना, कभी न बिगाड़ना, ये पालन करते हैं कि नहीं?
अगर ये चार गुण धर्म भी हमें एकदम दृढ़ रूप से रहा तो श्रोता प्रतिफल में पहुंच जाते हैं। बुद्ध धम्म संघ के प्रति अतूत अखंड श्रद्धा विश्वास होना चाहिए और सील को कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। ऐसा व्यक्ति श्रोता प्रतिफल प्राप्त कर सकता है। अभी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में देखो, अनाथ पिंडिक महाजन एक बार तथागत बुद्ध से मिले, तथागत बुद्ध के उपदेश सुने तो श्रोता प्रतिफल में पहुंच गए। विशाखा उपासिका जीवन के 7 साल की उम्र में तथागत बुद्ध के उपदेश सुने, उसी समय श्रोता प्रतिफल में पहुंच गए। ये कृषा गौतमी, ये पताचारा तथागत बुद्ध को मिलते ही अपनी जैसे भी परिस्थिति हो तथागत बुद्ध के उपदेश सुनते ही वो भी श्रोता प्रतिफल में पहुंच गए। ऐसे बहुत सारे भिक्षुने उपासक उपासिकाएं हैं। ये तथागत बुद्ध के अग्रश्रावक सारिपुत्र मौद्गल्य हैं, तो जब वो बुद्ध के पास भी नहीं पहुंचे थे, अस्सी भिक्षु के एक गाथा ए धम्मा हेतु पभव्वा ते संग हेतु तथागत वाहा ते संचयो निरोधो ये आदि महासमनो, जो भी यहाँ काम होता है उसका कारण होता है वो हेतु होता है और वो हेतु बताने वाले तथागत बुद्ध है। वो हेतु का निरोध या खत्म करने का जो उपाय है वो भी बताने वाले तथागत बुद्ध है। ये गाथा सुन के जब वो परिव्राजक बन रहे थे, उपदिश परिव्राजक, वो गाथा सुनते ही श्रोता प्रतिफल में पहुंच गए। फिर उसके परम मित्र जो पोलित परिव्राजक उसको सुनाया तो उसने भी ये गाथा से ही श्रोता प्रतिफल पहुंच गए। और ये दोनों अपने मित्रों के साथ तथागत बुद्ध के पास आए, भिक्षु बन गए, सारिपुत्र मौद्गल्यान के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाद में एक प्रज्ञा में एक दग्ग सहित दुखमुक्त अर्हत हो गया, एक रिद्धि में एक दग्ग सहित दुखमुक्त अर्हत हो गया। तो ये श्रोता प्रतिफल प्राप्त करने वाले तथागत बुद्ध के समय से अनेक भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका बहुत सारे हैं। आज के समय में भी हम जब भी ध्यान करते हैं या ध्यान शिविर में जाते हैं, बड़े बड़े ध्यान गुरु यही कहते हैं, अगर जीवन में सुख प्राप्ति का निश्चित करना है या गारंटी करना है तो ये श्रोता प्रतिफल प्राप्त करो। जब तक श्रोता प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा, जिंदगी में छोटे से छोटे पाप किया या गलत किया तो वही पाप पकड़ के दुर्गति जा सकता है, नर्कगामी हो सकता है। मगर एक बार श्रोता प्रतिफल प्राप्त किया तो वो कभी भी दुर्गतिगामी नहीं होता। इसलिए हमें जीवन में सुख प्राप्ति के लिए ये श्रोता प्रतिफल प्राप्त करने का उद्देश्य रखना चाहिए, दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त करने का उद्देश्य रखना चाहिए। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेशों को अच्छे से जान के, अच्छे से समझ के, अच्छे से पालन किया तो ये दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त करना इतनी बड़ी बात भी नहीं होता। मगर अच्छे धर्म को हम जान नहीं पाएंगे या अच्छे धर्म को जान के भी हम पालन नहीं कर पाएंगे या अच्छे धर्म जान के पालन भी किया तो परिपूर्ण नहीं हो पाएंगे, तब हम ये मार्ग फल प्राप्त नहीं कर सकते। और एक बार मार्ग फल प्राप्त हो गया तो जीवन में सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। तो हम यही कामना करते हैं, हम भी जल्दी से जल्दी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ये उपदेशों को अच्छे से जाने, अच्छे से पालन करें और अच्छे से बुद्धवाणी को अभ्यास करते हुए पालन करते हुए जो दुख मुक्ति का मार्ग फल श्रोतापति सकृदागामी अनागामी अर्हत फल भी प्राप्त कर सके, दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, यही कामना करते हुए
ये धम्मदेशना यही समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। धम्मदेशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से अनंत बोधिसत्वों के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तीन बार साधु साधु बोलिए। सबेतियो विवाजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा स्तुते भवन्तु ते। साधु साधु साधु। भूतं नमामि, धम्मं नमामि, संगं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।